हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में है और आप सभी के काम की है, वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। चलिए गाइज, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं SSC CGL 2023 टायर 1 की बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि है ऑली बोर्ड की। आप यहां देख सकते हैं महा जो है प्रैक्टिस बुक है ये, जिसमें आपको 50 सेट्स मिलेंगे, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट आपको विद डिटेल सोल्यूशन मिलेगा और 25 आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा जो कि आंसर की के साथ होगा। इसमें आपको सब मिलेगा, जनरल इंटेलिजेंस भी है, जनरल अवेयरनेस भी है, क्वांट भी है और इंग्लिश कंप्रेहेंशन भी है। और ये जो बुक है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूं इसको अच्छे से। आप यहां देख लीजिए, जैसे यहां पर SSC CGL 2022 2 दिसंबर 2022 का यहां पर सेट दिया गया है। आप इनको देख सकते हैं, हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो बेहतरीन ढंग से इस बुक को डिजाइन किया गया है, आप इसको ले सकते हो। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर इस बेहतरीन बुक को आप ले सकते हो और अपनी जो भी तैयारी है SSC CGL की, उसकी आप जानदार तरीके से आप अपनी तैयारी में और भी अच्छे से आप जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। बात करते हैं इसके सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन इसको आपको पीछे देखने को मिल जाएगा। आप यहां पर देख लीजिए, इसका सोल्यूशन भी बहुत जबरदस्त तरीके से दिया गया है। ये देखिए, आपको यहां पर सोल्यूशन भी मिल जाएगा, कैसे है, कैसे सॉल्व हुआ, सब कुछ जबरदस्त। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग इस बेहतरीन बुक को आप लोग ले लीजिए। सबसे पहले यहां पर आप देखिए लिखा है कि कस्तूरबा विद्यालयों में 3000 पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में नए सत्र 2023-24 में 3000 से अधिक शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग की ओर से शासन को इसका प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसकी प्रक्रिया जो है गति प्रदान कर दी जाएगी। प्रदेश में 107 कस्तूरबा विद्यालयों को अपग्रेड करके कक्षा 8 से इंटर किया जा रहा है। इस तरह इन विद्यालयों में नए शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। वहीं पहले से चल रहे कस्तूरबा विद्यालयों में पुरुष संविदा शिक्षक व कर्मचारियों के नए सत्र से नवीनीकरण नहीं किया गया है, ऐसे में इनके पद भी खाली हो रहे हैं। ऐसे देखते हुए लगभग 3000 से अधिक नियमित व अंशकालिक शिक्षकों व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। वर्तमान में प्रदेश में 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय चल रहे हैं, जिनके लिए गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, कंप्यूटर, संगीत आदि विषयों के विशेषज्ञ रखे जाने हैं। तो कस्तूरबा विद्यालय शासन की प्राथमिकता में भी है, ऐसे में विभाग इसे लेकर कोई कमी नहीं रख रहा है महानिदेशक। तो कुल मिलाकर यह कि यहां पर 3000 पदों पर भर्ती होगी। हालांकि यहां पर जो मेन अपडेट है आप उसको देख लीजिए, यहां पर लिखा गया है कि विभाग की ओर से शासन को इसका प्रस्ताव भी जो है भेजा गया है। अभी इसका प्रस्तावित हुई है, अभी इस पर जो है मोहर नहीं लगी है। जैसे इस पर मोहर लगेगी, हरी झंडी मिलेगी, तुरंत ही ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जैसे ही शुरू होगी आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा क्या योग्यता है। जैसे ही कोई विज्ञापन आएगा आपको इस चैनल पर अपडेट मिल जाएगी, तो आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अपडेट जो आज के न्यूज़पेपर में है, फिलहाल ये वैकेंसी जो है 2 दिन पहले ही आ गई है। UP SSC ने जारी किया विज्ञापन, 1468 पदों पर भर्ती। आज के न्यूज़पेपर में भी ये अपडेट है कि ग्राम पंचायत अधिकारी के पद खाली हैं। 18 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए, इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए और SSC होना चाहिए। साथ ही साथ वेतन इसका जबरदस्त है, 21,700 से लेकर 69,100 रुपये प्रतिमाह वेतन है और आवेदन की अंतिम तिथि 12 जून है। तो ₹25 आवेदन शुल्क है। तो आप लोगों को अगर फॉर्म भरना है तो आप जाकर UP SSC.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। तो बड़ी भर्ती है, आप इसको देख सकते हैं। आगे की बात करते हैं तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आई है कि CCTV के निगरानी में बीएड प्रवेश परीक्षा के निर्देश। अच्छा, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो इस बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 देंगे, एक बार कमेंट में आप यस लिख दें। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 देने जा रहे हो, एक बार यस लिख दीजिए कमेंट में आप, ठीक है। इसमें लिखा है कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने निर्देश दिया है कि 15 जून को आयोजित होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा नकल विहीन कराने के लिए CCTV की निगरानी में कराई जाए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, सभी केंद्रों पर पेयजल, शौचालय आदि की मूलभूत सुविधाएं दी जाए। मुख्य सचिव ने बुधवार को, तो ये तो चीजें वो हो गई कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे क्या है। मेन अपडेट आप यहां पर देखिए, जो यहां पर अपडेट है कि 15 जून को ये परीक्षा होने वाली है। CCTV की निगरानी तो हो गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और सभी केंद्रों पर जो है पेयजल और शौचालय की व्यवस्था होगी, जो कि होनी होनी है। तो मेन यहां पर अपडेट है इसकी डेट, यानी 15 जून को आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा होने वाली है। 15 मई इसकी लास्ट डेट थी, सभी लोगों ने फॉर्म वगैरह भर ही दिया होगा, तो आप लोग इसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो आप लोग एक बार कमेंट में यस जरूर लिखते हैं। अगली अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ था उस पर यहाँ पर बात है कि आरक्षण में घोटाले की याचिका पर मंथन। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला है। अभ्यर्थियों ने राज्यपाल व राष्ट्रपति से न्याय की लगाई है गुहार। लखनऊ खंडपीठ में 25 मई को होनी है सुनवाई। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों के आरक्षण घोटाले के आरोपों की 25 मई को होने जा रही सुनवाई के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और अनुसूचित जाति SC वर्ग के अभ्यर्थियों ने बुधवार को आजाद पार्क में बैठकर रणनीति पर मंथन किया। साथ ही इन अभ्यर्थियों ने राज्यपाल व राष्ट्रपति को पत्र लिखकर न्याय की गुहार भी लगाई है। आरक्षित वर्ग के हितों पर
कुठाराघात के आरोपों वाले इस बहुचर्चित प्रकरण की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में हो रही है। अभ्यर्थी सहायक अध्यापकों की इस भर्ती में हुई नाइंसाफी की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में सबकी निगाहें लखनऊ पीठ के फैसले पर टिकी हुई हैं। तो आप यहां देख सकते हैं 25 मई को सुनवाई होने वाली है। 69,000 शिक्षक भर्ती आए हुए 4 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक इसका जो मामला है वो चल ही रहा है। चाहे एक नंबर वाला मामला हो, चाहे आरक्षण का मामला हो, बहुत सारे मामले वहाँ पर चल रहे हैं। तो ये है फिलहाल अपडेट। आगे देखते हैं एसएससी की तरफ से यहाँ पर 3 भर्तियों के जो है कैलेंडर जारी किए गए हैं। जूनियर इंजीनियर का यहाँ पर है 9, 10, 11 अक्टूबर को पेपर होगा इसका। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का एग्जाम 12 और 13 अक्टूबर को होगा। और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम 16 अक्टूबर 2023 को कराया जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एसएससी की तरफ से जो कैलेंडर है कल जारी कर दिया गया है। आगे बात करते हैं टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों ने मांगा नियुक्ति का आदेश। टीजीटी पीजीटी वर्ष 2016-21 के चयनित लेकिन बचे हुए अभ्यर्थी खाली पदों पर नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग को लेकर भटक रहे हैं। नाराज अभ्यर्थियों ने फिर से बुधवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि मूल पैनल के अभ्यर्थियों के दूसरे जगह चयनित होने से काफी पद खाली रह गए हैं। इन पदों पर पैनल के बचे हुए अभ्यर्थियों का चयन होना चाहिए, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभ्यर्थियों ने बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट ने भी निर्णय दिया है। वहीं शासन ने नियमावली में संशोधन कर डीआउस के स्थान पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक को प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकृत करने का आदेश दिया है। आदेश 28 जनवरी को जारी किया था, इसके बावजूद विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाईकोर्ट के कहने के बावजूद भी अभी यहाँ पर नियुक्ति इन लोगों को नहीं मिल रही है और छात्र इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फिलहाल ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।